श्रीलंका में अभी चल रहे क्राइसिस की वजह से भारत को क्या फायदा होगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को भी दबा दो आने वाली वीडियोस देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। श्रीलंका की जीडीपी में सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्ट ऑफ श्रीलंका जीडीपी का था टूरिस्ट और एक्सपोर्ट। श्रीलंका के सफल घरेलू उत्पादन के एक बड़ा हिस्सा बनाता है। चाय और वस्त्र के निर्यात से देश को बड़ा पैमाने पर लाभ होता था। पारिधानिक निर्यात श्रीलंका के 40% से अधिक का था, और कुल निर्यात, हालांकि मौजूदा समय में अभी आर्थिक संकट चल रहा है उसकी वजह से ये सब ठप पड़ चुका है और श्रीलंका को इसका सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। ये के लिए एक निर्यात अवसर में बदल गया है। भारत अब भारतीय पारिधानिक निर्यातक को रूप में उन्हें देशों से भी ऑर्डर प्राप्त करना से भारतीय वस्त्रों की पहली लैटिन अमेरिका की तरफ से उल्लेखनीय उपस्थिति नहीं थी। हालांकि इसके अलावा चूंकि बिजली कटौती और एरियड की कमी से कारण श्रीलंका में चाय का उत्पादन रुक गया है और ऑर्डर उसी के लिए भारत में भी जा रहे हैं। प्रोमोस काउंसलिंग के चेयरमैन नरेंद्र गोयन ने कहा है कि भारत श्रीलंकाई पारिधानिक के विकल्प के रूप में उभर सकता है, क्योंकि उत्पादन लगातार के मामले में उसकी बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के पारिधानिक उत्पादन की लागत भारत की तुलना में बहुत अधिक है और ये कारण है कि ग्राहक हमें देख रहे हैं। इन अवसर के अलावा भी भारत ने अपने द्वीपी पड़ोसी समर्थन का उचित हिस्सा दिया है। आपको क्या लगता है कि भारत दुनिया में अपने महत्व और स्थिति को सुधारने के लिए क्या बेहतर बन सकता है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए।